क्या आपका लैंडिंग पेज लीड नहीं जनरेट कर पा रहा, या फिर आपको ये जानना है कि क्या कंटेंट इस लैंडिंग पेज पे होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वेल वी हैव गॉट यू कवर्ड। आज की वीडियो में हम सब इसी बारे में बात करने वाले हैं, सिर्फ लैंडिंग पेज के बारे में बात करेंगे, क्या कंटेंट होना चाहिए और कैसे एक इंपैक्टफुल लैंडिंग पेज क्रिएट होता है। हाय, माय नेम इज सार्थक और यू आर वॉचिंग रॉकेट टेक एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वेल, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, हम आपको सैंपल्स के साथ सब कुछ समझाएंगे, बट सैंपल्स हमने एकदम एंड में वीडियो के रखे हुए हैं, तो सारी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हम लोग अपने एजेंसी लाइफ में रोज इंप्लीमेंट करते हैं और वो आपको मैं समझाऊंगा भी, साथ में सैंपल दिखा के भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा और दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपको समझना होगा कि डिफरेंस क्या होता है एक लैंडिंग पेज में और एक वेबसाइट में। देखिए, एक वेबसाइट में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आपकी कंपनी के बारे में, विजन, मिशन, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में, जो कि एक लैंडिंग पेज में नहीं होती, क्योंकि हम लैंडिंग पेज जब बनाते हैं तो उसको उस तरीके से बनाते हैं कि एक बंदा ये लैंडिंग पेज खोले, स्क्रॉल करे और अपनी लीड छोड़ के जाए, दैट इज इट। जितनी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन देते हैं, और साथ में आपके लिए एक बोनस टिप भी है एकदम एंड में वीडियो के, जो आपको एक डिफरेंशिएटर दिखाएगा कि एक लैंडिंग पेज लीड जनरेशन का क्या होता है और जो डायरेक्टली सेलिंग वाला लैंडिंग पेज होता है उसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो एक हमने बात करी डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज की, बहुत सारी चीजें होती हैं एक वेबसाइट में, एक लैंडिंग पेज में बहुत प्रिसाइज चीजें होती हैं, जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन ही हम देते हैं लैंडिंग पेज में, और साथ में एक लैंडिंग पेज स्पेसिफिक आपके प्रोडक्ट या सर्विस का भी हो सकता है। प्लस आपका एक लैंडिंग पेज में जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत फोकस तरीके से होता है, स्ट्रेटेजिकली डिजाइंड होता है, और एक वेबसाइट पे हम लोग जितनी डिटेल डाल सकते हैं वो सारी डिटेल डालते हैं, जबकि एक लैंडिंग पेज पे हम बहुत कम डिटेल डालते हैं, प्रिसाइज जितनी चाहिए उतनी ही डिटेल डालते हैं। नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज, लेट्स टॉक अबाउट द इंपैक्ट। ये एक इंपैक्टफुल लैंडिंग पेज के बारे में बात करें, बट इसका वैल्यू क्या हो, इतना दिमाग हम लगा रहे हैं कि कहां पे क्या आएगा, कैसे होगा, इतना कुछ डिजाइन कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, बट इसका वैल्यू क्या होगा, होगा क्या एग्जैक्टली इसको करने से हमें। सबसे पहली चीज, जो आपकी लीड जनरेट हो रही है, नंबर ऑफ लीड जो जनरेट हो रही है वो ज्यादा होंगी। आप देखोगे अगर आप एक बिना स्ट्रक्चर्ड लैंडिंग पेज को यूज करते हो और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लैंडिंग पेज यूज करते हो, जो मैं आपको बताने वाला हूं, उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लीड दैट यू विल जनरेट फ्रॉम दैट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर कैंपेन। सेकेंड बहुत बड़ा डिफरेंस जो आपको दिखेगा वो है कि आपको जो लीड्स आ रही हैं वो भी बेटर होंगी। देखिए, लीड तो आप फेसबुक लीड फॉर्म या लिंक्डइन के लीड फॉर्म से भी जनरेट कर सकते हो, बट उसमें क्या होता है, उसमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल निल होती है, मतलब आपने एक ऐड दिखाया, ऐड पे बंदे ने क्लिक किया और लीड फॉर्म खुल गया फटाफट, लीड कॉस्ट तो स्लो आई बट साथ में आपको जो लीड आई वो बहुत कोल्ड है। अब आपको उस लीड को नर्चर करना पड़ेगा, आपको या आपकी टीम को नर्चर करना पड़ेगा, और साथ में उसकी क्लोजिंग साइकिल जो होगी वो बहुत लंबी होगी। लेकिन जब आप ज्यादा इंपैक्टफुल तरीके से उस लीड को जनरेट करोगे एक लैंडिंग पेज से, और आप एक इंफॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन की बात करें वो आप दोगे अपने लैंडिंग पेज में, तो एक ज्यादा वार्म लीड आप जनरेट करोगे। तो होगा क्या कि आपकी जो साइकिल है, जो लीड को क्लोज होने की साइकिल है, वो भी कम हो सकती है इसके अंदर, और आपको कम नर्चर भी करना पड़ेगा इस लीड को क्लोज करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जब आप सेल्स में आते हो तो सबसे ज्यादा पॉइंट आता है कि आपको नर्चर करने के लिए इंप्लॉयज बहुत ज्यादा रखने पड़ते हैं, और प्लस उस इंप्लॉय की भी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर उसको नर्चर करना है किसी लीड को। तो एक लैंडिंग पेज वो भी चीज आपकी सॉल्व कर सकता है। तीसरा आपको बेनिफिट मिलेगा एक इंपैक्टफुल लैंडिंग पेज के होने से, वो है कि आपको एक सिंगल पेज व्यू मिल जाएगा अपनी पूरी कंपनी की समरी का। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बात करी कि एक सर्विस का भी हम अलग लैंडिंग पेज बना सकते हैं, लेकिन हम पूरी कंपनी का समरी का भी एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं, और जिसका मैं सैंपल आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। और उससे क्या होगा, आप सिर्फ उसको कैंपेन में यूज नहीं करेंगे, अगर आपको कोई ऑफलाइन वर्ल्ड में भी प्रोस्पेक्ट मिलता है, आपको रेफरेंस मिलता है, तो आप उसको भी वो लैंडिंग पेज भेज सकते हो, सो दैट दे कैन गो थ्रू द सेम प्रोसेस और उस स्ट्रक्चर्ड वे में वो कॉन्टेंट कंज्यूम करें और वो ज्यादा वार्म हो आपकी सर्विसेज को लेने के लिए। तो आइए बात करते हैं आपकी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपके लैंडिंग पेज का, कि उस एक नॉर्मल लैंडिंग पेज को हम इंपैक्टफुल लैंडिंग पेज बना लें, और ऐसी क्या चीजें हम इंक्लूड करनी चाहिए उसमें कंटेंट वाइज कि वो एक लैंडिंग पेज इंपैक्टफुल लैंडिंग पेज बन जाए। तो हमने चार चीजें आपके लिए आइडेंटिफाई करी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंडिंग पेज में होना,
और मैं पहले आपको चारों बता देता हूँ, उसके बाद एक एक करके सारी एक्सप्लेन भी करूंगा, और एक्सप्लेन करने के बाद आपको मैं सैंपल्स भी दिखाऊंगा, सैंपल्स के साथ भी एक्सप्लेन करूंगा। तो वो चार चीजें क्या है, सबसे पहला है हुक। हुक क्या होता है हम इस बारे में बात करेंगे। हुक के बाद वैल्यू, कि आप वैल्यू क्या दे रहे हैं उस लैंडिंग पेज में। थर्ड इज सोशल प्रूफ एंड फोर्थ इज CTA। ये चार चीजें आपको लैंडिंग पेज में चाहिए ही चाहिए अगर आपको उसको एक इंपैक्टफुल लैंडिंग पेज बनाना है। तो अब बात करते हैं हुक की। हुक क्या होता है, देखिए आज के इंटरनेट एज में अटेंशन स्पैन जो है, एवरेज अटेंशन स्पैन ऑफ एनी यूजर ओवर द होल इंटरनेट इज अबाउट 7 सेकंड। तो 7 सेकंड में आप ऐसा क्या उनको बोलोगे कि वहां पे वो रुक जाए, अटेंशन ग्रैब हो जाए उनकी और एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो ताकि वो और स्क्रॉल करें और आपका पूरा कॉन्टेंट पढ़ें। हुक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इस सेंस में। हुक होता क्या है, हुक एक अटेंशन ग्रैबर है। और हुक बनता किस चीज से, कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी मार्केटिंग को प्लान करने से पहले आपको समझना पड़ता है अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में। अब मैं टारगेट ऑडियंस के बारे में हमने अलग से वीडियोस करी हुई हैं, वो आप जाके देखिए। बट उसके अंदर टारगेट ऑडियंस के जब आप समझते हैं टारगेट ऑडियंस को, तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है डिजायर्स और एक होता है फियर्स। अब जो ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं, जिस पोजिशन में आप टारगेट करना चाहते हैं, उस सिनेरियो में उसके डीपेस्ट फियर्स क्या होंगे और उस सिनेरियो में उसके डीपेस्ट डिजायर्स क्या होंगे। इन दोनों चीजों से ही आपको हुक मिलता है। अब ऑब्वियसली अगर हम फेयर्स की बात करें तो कई बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी होंगे, दुनिया में इतने बिजनेसेस हैं उसमें कई टॉपिक्स बहुत सेंसिटिव भी होंगे, तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू यूज सेंसिटिव टॉपिक्स इन फेयर्स, बट यू कैन यूज दैट इन डिजायर्स, और उनको लेके आप हुक बनाइए। और हुक अगर आपने वो ढंग से बना दिया तो यू हैव द अटेंशन ऑफ योर यूजर ऑन योर लैंडिंग पेज एंड दे विल स्क्रॉल डाउन। और हुक एक ऐसी चीज है जो सबसे टॉप पे रहता है लैंडिंग पेज के। अब बाकी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे वैल्यू, सोशल प्रूफ, CTA, ये अलग अलग पोजीशनिंग पे हो सकती है, लेकिन हुक सबसे टॉप पे रहेगा, ये बिल्कुल नहीं लेगा यहां से। अब दूसरी चीज जो आपको लैंडिंग पेज पे चाहिए वो है वैल्यू, कि अब इस लैंडिंग पेज पे आके क्या वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से कस्टमर या यूजर की लाइफ में क्या वैल्यू एड करेंगे, एग्जैक्टली होगा क्या उनके लाइफ में, मतलब क्या चेंजेस होंगे उनके बिजनेस, अगर आप B2B बिजनेस में हैं तो उनके बिजनेस में क्या चेंजेस होंगे या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, वो वैल्यू आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव मैनर में अपने लैंडिंग पेज पे लिखना है, ताकि बहुत क्लियर हो लोगों को कि क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए उनकी एज अ यूजर और एज अ बिजनेस फ्रॉम योर बिजनेस। मतलब आप लैंडिंग, अगर आप लैंडिंग पेज बना रहे हैं तो आप लीड जनरेट कर रहे हैं, तो एक बिजनेस ही है आप। अब वैल्यू के बाद तीसरी चीज जो है वो है सोशल प्रूफ। अब सोशल प्रूफ क्या है, आपके वेबसाइट पे बंदा आ गया, आपका पेज स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन आपको या आपके बिजनेस को क्रेडिबिलिटी बनाना उस पर्सपेक्टिव में, उस यूजर के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्रेडिबिलिटी कैसे बनेगी, सोशल प्रूफ से ही बनेगी। सोशल प्रूफ क्या हो सकता है, आपके कोई भी क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, या फिर आपके सक्सेस स्टोरीज, या फिर आप कोई भी ऐसा कंटेंट ले लो जिससे आपको लगता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होगी एक यूजर पर्सपेक्टिव में, तो वो सोशल प्रूफ के अंडर आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंडिंग पेज पे एक ही सेक्शन होना चाहिए सोशल प्रूफ का, इट कैन बी मल्टीपल सेक्शंस, और मल्टीपल जगहों पे हम बात कर सकते हैं कि क्या किसी कस्टमर ने हमारे लिए बोला, या फिर कोई भी ऐसा स्क्रीनशॉट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी मीडिया कवरेज, मीडिया ने कवर किया है, न्यूज़ चैनल ने कवर किया, उसके लोगोज और उसके आर्टिकल्स वहां पे हम पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा कोई चैनल है तो हम उसको भी शोकेस कर सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा कुछ काम किया तो उसको भी हम शोकेस कर सकते हैं, और वो भी सोशल प्रूफ के अंडर ही आएगा। तो ये तीसरी चीज सोशल प्रूफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप सोशल प्रूफ दिखाते हैं तो बंदा वहीं पे ही कोल्ड से वार्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब एक बंदे को आपने बताया कि मैं इतना सक्सेसफुल काम करता हूं या मैं अपने क्लाइंट्स के लिए इतना कुछ कर चुका हूं, तो वो कहीं ना कहीं रिलेट कर लेता है। और जो लोग डायरेक्टली रिलेट कर लेते हैं वो तो आपके लिए लीड वहीं पे जनरेट हो जाती है, और वो बहुत वार्म लीड बनती है। कुछ होते हैं जो रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी उनके पर्सपेक्टिव में क्रेडिबिलिटी बहुत बूस्ट हो जाती है। अब चौथी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है CTA। अब आपने देखा होगा किसी लैंडिंग पेज पे आप जाते हो तो वहां पे 3-4 CTA लोगों ने बहुत बार यूज करे होते हैं। CTA क्या होता है, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब अब आप एक लैंडिंग पेज पे किसी यूजर को लेके आए हो, वो चाहते हैं क्या उससे करवाए, क्या आप चाहते हो कि वो एक लीड फॉर्म सबमिट करे वहां पे और आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपकी टीम कॉल बैक करे, क्या आप चाहते हो कि आपको वो कॉल करे, मतलब आपने एक नंबर दे दिया अपनी वेबसाइट पे और आप चाहते हो उस नंबर पे बंदा कॉल करे, या फिर आप चाहते हो उससे चैट करना कि वो लैंडिंग पेज पे आया है, आपकी चैट टीम उससे चैट करे और वहां पे लीड जनरेट करके उनको वार्म करे। बट एक बारी में एक ही,
ऐसा मत करिएगा कि तीनों आपने लगा दिए, क्योंकि उसमें CTA बहुत डाइल्यूट हो जाता है। अगर आप कॉल चाहते हो, कॉल देखिए, कॉल एक ऐसी चीज़ जो बहुत मुश्किल से ट्रैक होती है। आप कॉल के क्लिक्स को ट्रैक कर सकते हो, लेकिन सक्सेसफुल कॉल्स को ट्रैक नहीं कर सकते। IVR लगाओगे तो आप ट्रैक कर पाओगे, लेकिन उसमें भी फीडबैक और ट्रैकिंग ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि डेटा वापस गूगल या फेसबुक के पास नहीं जा पाएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म के पास नहीं जा पाएगा। सबसे बेस्ट है लीड फॉर्म, सबसे सेफ एंड बेस्ट है लीड फॉर्म। आपने लीड फॉर्म लगाया और वहाँ पे एक लैंडिंग पेज में थैंक यू पेज लगाया, जिसने लीड फॉर्म सबमिट किया और थैंक यू पेज पे गया, वेरी इजीली ट्रैकेबल एंड वेरी वेरी गुड फॉर योर लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन एज वेल। तो CTA आपको बहुत क्लियर रखना है, मल्टीपल जगहों पे आपको लगाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बैनर टू द एंड, हर अलग अलग सेक्शंस में आपको CTA लगाना है। एक बहुत बढ़िया फीचर आजकल जो लैंडिंग पेज पे चल रहा है कि वो होवर में ही आपका CTA आ जाता है, सो पीपल कैन जस्ट गो एंड स्क्रॉल ऑल द कंटेंट एंड दे ऑलरेडी हैव इन प्लेस अ CTA विच इज इन होवर, जो वहां पे क्लिक करेंगे तो लीड फॉर्म खुल जाएगा। तो ये चार चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके किसी भी लैंडिंग पेज को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। तो ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एक लैंडिंग पेज को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। अब बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे गूगल के लिए रिक्वायरमेंट अलग है, लिंक्डइन के लिए रिक्वायरमेंट अलग है, फेसबुक के लिए रिक्वायरमेंट अलग है, और इनको आप अलग अलग प्लेसमेंट्स पर, अलग अलग जगहों पर अलग तरीकों से यूज़ कर सकते हो। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, मैं एक जनरल तरीका जो है आपको इम्पैक्टफुल बनाने के लिए एक लैंडिंग पेज को, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पांचवी एक ऐसी चीज़ है जो एक प्रेफरेंस वाली बात आ जाती है, विच इज़ कॉल्ड डिज़ाइन एस्थेटिक्स। अब लैंडिंग पेज आपने देखे होंगे बहुत सिंपल भी होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव भी होते हैं, और अलग अलग कैटेगरी ऑफ बिजनेस के हिसाब से उसके डिज़ाइन एस्थेटिक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्रिएटिव एजेंसी हो तो आपके लिए लैंडिंग पेज का डिज़ाइन क्रिएटिव होना और अट्रैक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही सर्विस आपको, डिजिटल सर्विसेज या क्रिएटिव सर्विसेज ही आपको सेल करनी है, तो वो भी एक काइंड ऑफ सोशल प्रूफ है आपके लिए। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है डिजाइन एस्थेटिक्स का, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स शुड स्पीक मोर देन योर पेज डिजाइन। तो इसके हिसाब से डिजाइन एस्थेटिक्स भी डिफर हो सकते हैं अलग अलग कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस के। तो अब आइए देखते हैं कुछ सैंपल्स, और मैं आपको जो मैंने आपको चार चीजें दिखाई और डिजाइन पर्सपेक्टिव दिखाया उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं, और साथ में एक बोनस टिप भी दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सैंपल्स दिखाऊंगा, तो मेरे पास मेरी स्क्रीन में इस समय 4 से 5 लैंडिंग पेज के सैंपल्स खुले हुए हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें एक एक करके मैं जो चारों पार्ट्स हैं और डिजाइन एस्थेटिक्स के बारे में भी आपको मैं विद एग्जांपल शेयर करूंगा। तो आइए मेरी स्क्रीन पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लैंडिंग पेज खुला हुआ है, मैं आपको बताया, तो ये हमारे क्लाइंट हैं, इनका कंपनी का नाम है कैराली सेंटर्स, जो कि आपके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं। अब इनके लिए आप देखो इसका हुक क्या है। अब इस बैनर में आप देख रहे हो ये स्ट्रेस्ड वीक इम्यूनिटी, लो मेटाबॉलिज्म, लो एनर्जी लेवल्स, टायर्ड ऑफ लिसनिंग, अनड्यू हेल्थ टिप्स, इफ येस देन यू विल बी अमेज्ड टू नो व्हाट कैन पंचकर्मा डू फॉर यू। अब पंचकर्मा क्या है, उनकी एक सर्विस है, पंचकर्मा एक सर्विस है आउट ऑफ द 15-20 सर्विसेज दैट दे डू ऑन देयर सेंटर्स, और उन 15-20 सर्विसेज के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे इस लैंडिंग पेज में, हम सिर्फ और सिर्फ एक सर्विस के बारे में बात करें, विच इज कॉल्ड पंचकर्मा। अब होता क्या है कि हम जब भी कैंपेन रन करते हैं और हम पंचकर्मा अपनी एडवर्टीजमेंट में पिच करते हैं, तो उस एडवर्टीजमेंट के पीछे सिर्फ यही लैंडिंग पेज होता है और कुछ नहीं होता। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लीड फॉर्म लगा हुआ है और ऊपर आपको दिख रहा है 30% डिस्काउंट ऑन नेक्स्ट 9 बुकिंग्स, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये एक और पॉइंट है स्कार्सिटी का। अब स्कार्सिटी क्या होता है कि आपको ऐसी स्कार्सिटी बनानी पड़ती है कि लोग जल्दी रजिस्टर करें और जल्दी से बाय करने की कोशिश करें। हर जगह नहीं पॉसिबल होता स्कार्सिटी बनाना, बट जहां पे पॉसिबल है वहां पे एक अच्छा एडिशन है टू क्रिएट योर लैंडिंग पेज मोर इम्पैक्टफुल। तो अब इसमें आप देख रहे हो इसी बैनर में आपके पास एक हुक है, लीड फॉर्म है, स्कार्सिटी है, प्लस आप एक और लाइन जो दिख रही है आपको है सक्सेसफुली ट्रीटेड 15 लाख, 15.3 लाख प्लस पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीटेड। अब ये क्या है, ये आपको ला रहा है क्रेडिबिलिटी कि आप ऑलरेडी 15 लाख लोगों को ट्रीट कर चुके हैं, तो अब सोशल प्रूफ है। अब हम नीचे चलते हैं, अब इसके नीचे आपको दिखेगा बहुत सारा वैल्यू एडिशन कि आपको पंचकर्मा क्यों चाहिए, बेनिफिट्स क्या होते हैं पंचकर्मा के, और आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो पंचकर्मा ट्रीटमेंट से, और हर जगह देखिए आपको ये CTA मिल जाएगा, इंक्वायर नाउ का आपको बैनर में भी मिल जाएगा यहाँ पे, और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे इंक्वायर नाउ है, फिर उसके बाद वैल्यू फीडबैक विच इज अगेन सोशल प्रूफ, जो कि एक रिटन फॉर्मेट में क्रेडिबल है क्योंकि गूगल से हमने निकाले हुए हैं और ट्रिप एडवाइजर से ये फीडबैक्स निकले हुए हैं, तो दीज आर वेरी वेरी क्रेडिबल। अब
अब हम पहले बात कर रहे थे पंचकर्मा की, कि पंचकर्मा क्यों चाहिए। अब इसके यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कायराली आयुर्वेदा से आप पंचकर्मा क्यों करवाओ, तो उसके पॉइंट्स अगेन वैल्यू एडिशन। उसके बाद हैविंग स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डाइजेस्टिव इश्यूज, स्किन एलिमेंट्स, ये इसके लिए आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगेन स्कार्सिटी बढ़ाने की कोशिश करिए यहाँ पे, हरी नेक्स्ट बुकिंग, नेक्स्ट 9 बुकिंग्स आर गेटिंग 30% ऑफ देयर बुकिंग, तो वही स्कार्सिटी का पॉइंट दोबारा आ गया यहाँ पे। अगेन टेस्टिमोनियल्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोशल प्रूफ जरूरी नहीं है सिर्फ एक जगह आप डालो, मल्टीपल जगह भी डाल सकते हो। अब इसके अंदर आप पेज में देखो अगर, तो ये कितना सोशल प्रूफ है। अब आप ये डॉक्टर्स हैं, ये भी एक क्रेडिबिलिटी का पॉइंट है कि ये इन डॉक्टर्स के साथ हम जुड़े हुए हैं और इनकी डॉक्टर्स की प्रोफाइल है। आप इसके ऊपर आएंगे टेस्टिमोनियल्स, अगेन सोशल प्रूफ। उसके ऊपर आप आएंगे ये फीडबैक, अगेन सोशल प्रूफ। और टॉप में अगर आप जाएंगे यहाँ पे भी अगेन सक्सेसफुली ट्रीटेड का सोशल प्रूफ। तो सोशल प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आपको एक और दिखाता हूँ जो कि है मिस्टर संजय सेठी का, विच इज अ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर। अब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो सीटी है वो है मोबाइल, कि इनको कॉल करना है। अब इसके अंदर नो योर फ्यूचर, और ये आपका हुक है गेट आंसर्स टू ऑल योर डाउट्स। अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको फिर वैल्यू मिलेगी आर फीचर सर्विसेज के बेस में, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि उनके कस्टमर लिस्ट क्या है। और ये बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी उनके पॉइंट आती है, क्योंकि देखिए उनके कस्टमर लिस्ट कैसी है, MS धोनी, गौरी खान, तबू, ऐसे कस्टमर हैं, तो कोई भी यूज़र आके फटाफट प्लेटफॉर्म कर देगा और बहुत वार्म भी रहेगा, बिकॉज उसको लगता है कि आपने इतने सेलिब्रिटीज को ट्रीट किया तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो गया। तो एक क्रेडिबिलिटी वाला पॉइंट बहुत इंपैक्टफुल क्रिएट होता है। और एक छोटी सी प्रोफाइल उनके बारे में, खुद के बारे में, एंड दैट इज इट। बहुत प्रिसाइज लैंडिंग पेज है ये, सिर्फ 4 सेक्शन इस पेज में और कुछ नहीं है, एंड इट हैज डन वंडर्स टू देयर कैंपेन्स। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक हमारा एजेंसी का लैंडिंग पेज जो कि डिजिटल मार्केटिंग है। तो हमारे लिए हमारा जो हुक है वो है गिव योर मार्केटिंग और नाइट्रो बूस्ट। हमारा जो हुक है वो है गिव योर मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग और नाइट्रो बूस्ट विद अस, देन अ क्लियर सीटी ऑन दैट एंड वैल्यू दैट व्हाट वी डू। उसके नीचे आएंगे तो हमारी, हम अपना सोशल प्रूफ क्रिएट कर रहे हैं एड्स परफॉर्मेंस दिस ईयर, जिसमें हम आपको बता रहे हैं हमने करोड़ों का हमने इन्वेस्ट किया है अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे, और उनको पैसे दोबारा से साइकिल घुमा के ROI में ला के दिया है। अमाउंट स्पेंड इज अबाउट 2 crores दिस ईयर ओनली। और हर जगह बड़ा क्लियर आपको CTA मिल जाएगा। इन स्क्रॉल डाउन, दिस इज ओनली 3rd सेक्शन, 4th सेक्शन में आपको दिख गया एक और सोशल प्रूफ विच इज कॉल्ड सक्सेस स्टोरीज। फिर आप स्क्रॉल करेंगे तो ये फोटो शूट्स हैं हमारे और वीडियो शूट्स हैं जो हम लोगों ने करे हुए और वहाँ पे शोकेस करे हैं। इससे भी क्रेडिबिलिटी और बढ़ रही है, बिकॉज अगर आपको ये काम समझ आता है, हमारा फोटो शूट समझ आता है, हमारा वीडियो शूट समझ आता है, तो आप उससे रिलेट कर पाओगे और आप जल्दी से लीड फॉर्म भरोगे और वार्म तरीके से हमसे बात करोगे। और अगर नीचे आएंगे थोड़ा सा हमारा बारे में, कंपनी के बारे में, एंड देन अगेन ब्रांड के लोगोज जो हम जिनसे एसोसिएटेड हैं, तो ये भी अगेन सोशल प्रूफ। तो ये सारी चीजें सोशल प्रूफ क्रिएट कर रही हैं। आप देखोगे कि 50-60% ऑफ आर लैंडिंग पेजेस जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं उसमें सब में सोशल प्रूफ मेक्स अ बिग डिफरेंस। नाउ दिस अगेन दिस इज अ 4th लैंडिंग पेज आपको दिखा रहा हूं, और ये है राहुल जैन जो एक कोच है, बिजनेस कोच है। अब इनका हुक देखिए, गेट आंसर्स टू ऑल द चैलेंजेस यू फेस इन बिजनेस इन इंडियाज फर्स्ट ट्रू डबल योर प्रॉफिट वर्कशॉप and a clear CTA, again register and pay now. You scroll down, there's a lot of value. You scroll down, ये सारा value है, बहुत बहुत value है इस page में। और फिर उसके बाद information about the event and scarcity again, और थोड़ा सा उनके बारे में, and then social proof. ये अभी एक development phase में इसलिए आपको दिख रहा है dummy text डला हुआ है, लेकिन यहाँ पे testimonials आएंगे। एंड फिर उसके बाद BCI के बारे में जो उनकी कंपनी का नाम है, एंड अगेन अ क्लियर CTA। तो ये तो हो गए आपके लैंडिंग पेजेस जहां पे आप लीड जनरेट करते हैं। नाउ मैं 5वां लैंडिंग पेज आपको दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको अपनी बोनस टिप के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए 2 टाइप के लैंडिंग पेज हो सकते हैं, एक तो जो लीड जनरेट करते हैं जहां पे आपको कुछ, आप सेल नहीं कर रहे कुछ, लेकिन आप सिर्फ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ताकि आप दोबारा रीच आउट कर सको कस्टमर को और आपकी सेल्स टीम उनको क्लोज कर सके एज अ सेल्स। बट ऐसे भी लैंडिंग पेज होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारे कोचेज हैं जो अपना रिकॉर्डेड कोर्सेज सेल करते हैं या इवेंट के टिकट सेल करते हैं, तो वो लैंडिंग पेज भी उनमें और इन नॉर्मल लैंडिंग पेजेस में जो लीड जनरेशन के लिए डायरेक्टेड होते हैं, उन दोनों में फर्क क्या होता है, अब मैं आपको फर्क दिखाता हूँ।
तो अब ये जो लैंडिंग पेज है जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है वो है एक कोच परितोष पाठक का, और ये अपने इवेंट सेल कर रहे हैं विच इज ऑन, ये जो लास्ट इवेंट था इनका अक्टूबर में था, तो इनका वही डेट डली हुई है अभी, तो ये सेल कर रहे हैं टिकट विच इज, प्राइस भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन हम देखते हैं इसमें फर्क क्या है। तो ये स्टार्ट होता है एक अलग हुक में जहां पे लिखा वन वीकेंड दैट विल चेंज द गेम ऑफ नेटवर्किंग, और साथ में एक वीडियो है 4 मिनट की जिसके अंदर बहुत सारा सोशल प्रूफ है, मैं आपको वीडियो भी चला के दिखा देता हूं। तो अभी इसमें आवाज नहीं आएगी मेरे को, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हमारी आवाज नहीं है अभी, बट इसके अंदर इस वीडियो में 4 मिनट का पूरा सोशल प्रूफ है, बैक टू बैक लोग इस इवेंट के बारे में बता रहे हैं इस वीडियो में। देन यू स्क्रॉल डाउन एंड यू सी few lines written with value and creating a little scarcity, और उसके बाद सीधा आ जाता है social proof, then again थोड़ा value कि किसके लिए ये है, CTA, नीचे आओगे फिर value और social proof का mixture है इसके अंदर, फिर आप नीचे आओगे और बड़ा social proof with about 9 videos of testimonials, उसके नीचे आओगे फिर value, फिर आपके पास आएगा कि पूरे 3 दिन का अगर event है तो उसमें होगा क्या, तो बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन इन दिस सोशल प्रूफ, फिर उसके बाद आता है टिकट के बारे में कि टिकट है कितने की और आप उसको बाय कर सकते हैं यहाँ से। फिर स्क्रॉल डाउन करोगे तो पेज इज एंडिंग विद अगेन अ लॉट ऑफ सोशल प्रूफ। तो अब फर्क क्या है, फर्क आपका है कि नॉर्मल लैंडिंग पेजेस में अगर आप बहुत ज्यादा सोशल प्रूफ यूज करते हो, और आपने अगर नोट किया हो कि ये लेंथ और इसमें जो कॉन्टेंट है, the amount of content, the amount of value addition content in this landing page is tremendous. ये सबसे बड़ा major difference है कि एक lead generation वाले landing page में social proof with little value is good enough. But अगर आप कुछ sell करना चाहते हैं, कोई product sell करना चाहते हैं landing page के through, तो social proof के साथ extreme value भी important है, तो उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा इफ यू वॉन्ट पीपल टू बाय फ्रॉम द लैंडिंग पेज डायरेक्टली। तो ये थे हमारे हाउ टू क्रिएट लैंडिंग पेज टॉपिक के ऊपर एक पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी टीम के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या जिसको भी आपको लगता है जरूरत है इस वीडियो की, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकन के साथ ताकि आपको नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच, माय नेम इज सार्थक गौड़ा, साइनिंग ऑफ।